में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साक्षी। बिहार विधानसभा में आज से शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। आपको बता दें जिसमें नए सदस्यों को आज शपथ दिलाई जाएगी। और आज आपको बता दें बीजेपी अध्यक्ष 10 लाख युवाओं की नौकरी पर आज सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आपको बता दें ग्राम रक्षा दल ने महिलाओं और बच्चों के साथ मिलकर पटना में रावड़ी आवास का घेराव किया है। प्रदर्शनकारी लगातार अपने मांगों को लेकर रावड़ी आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही हुआ हंगामा। सुबह सुबह सैकड़ों की संख्या में आई नौकरी और वेतनमान को लेकर ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्रों ने रावड़ी आवास को घेर लिया है। रावड़ी आवास के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से रावड़ी आवास के बाहर पुलिस बल को बुला लिया गया है। पुलिस मित्र से ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष सिकंदर पासवान ने बताया है कि वेतनमान और स्थायीकरण को लेकर आज तेजस्वी आवास का घेराव किया गया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग उन्हें सदन में नहीं जाने देंगे। ग्राम सदस्य पुलिस मित्र जो हैं विगत 21 अक्टूबर को हम लोग माननीय तेजस्वी यादव से मुलाकात किए थे। उन्होंने स्टेटमेंट दिए थे कि ग्राम रक्षा दल सब पुलिस मित्र को हम कुछ ना कुछ देंगे, क्योंकि उन्होंने आश्वासन दिए थे कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो इसको लेकर हम एक महीना पहले भी उनसे मिले थे और आज भी हम तेजस्वी जी की आवाज़ पर आए हुए हैं, क्योंकि आज विधानसभा सत्र की प्रारंभ है और हम चाहते हैं कि मेरी आवाज़ मेरी मांग को उस सदन में उठाया जाए। इसलिए आज हम समस्त ग्राम सदस्य पुलिस मित्र शांति प्रिय बनाकर आज तेजस्वी जी की आवाज़ पर हम लोग बैठे हुए हैं। परिचय बताइए। मैं सिकंदर पासवान ग्राम सदस्य पुलिस मित्र बिहार। ऐसे तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए एबी न्यूज के साथ। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।